सोचीवन वार्ड तृणमूल कांग्रेस की तरफ से इफ्तार पार्टी का इनाकात किया गया। बैक माइक ऑफ करने बोले सुदीप दा। आज जो है 41 नंबर वार्ड की जानिब से जो है एक इफ्तार पार्टी का जो है एहतमाम किया गया है। इस सिलसिले में जो है देखा गया है कि जो है हम लोग के जो है खुर्शीद आलम पांडे, हमारे मिंटू दा, मोहम्मद मुमताज सब मिल के जो है बहुत जो है कामयाब प्रोग्राम किए हैं इफ्तार पार्टी के लिए। जी रीता चौधरी वगैरह सब मिल के इस बारे में आप अपने ख्याल क्या पेश कीजिए? हर दिन एक एक करके इफ्तार हम लोग करते हैं जी। जो रोजा रखते हैं वो लोग इफ्तारी करते हैं, हम लोग आते हैं साथ देते हैं। मैं सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आज हमारे 41 नंबर वार्ड के रीता चौधरी काउंसिलर वार्ड प्रेसिडेंट पपुन राय और हमारे पांडे भाई जो सब मिलकर बहुत अच्छा से इफ्तारी बनाया, बहुत अच्छा हुआ। आप लोगों को सर तो हमारे हम लोगों को आना जाना तो हर वक्त पे होता है, एक साथ रहना चाहिए हम सब लोगों को। देश का स्थिति अच्छा नहीं है, वो सब विषय पे बात में चर्चा करेंगे। आज एक साथ मिलके हम लोग चाहे जो अगले दिनों में ईद आते हैं वो खुशी चाहिए हम लोग खुशी के साथ मनाएगा। मैं सबका अवसर रामदान मुबारकबाद देता हूँ। सब समय हमरा हिंदू मुसलमान सिख ईसाई एक संगे मिले मिसे हमरा आज के 100 साल एखे चली। हमरा एखे जो त्यौहार आछे एक दूसरे त्यौहार के हमरा मनाई, हमरा जेरम करे इफ्तार पार्टी करी वेरम करे हमरा विजय सम्मेलन करी, जैसा तरह से हम लोग दुर्गा पूजा कराता वैसा तरह को ईद मनाता है। तो हम लोग का ये पश्चिम बंगाल का जो संस्कृति है ये संस्कृति को हम लोग बरकरार रखेंगे और ममता बनर्जी का सरकार, ममता बनर्जी जिस तरह से ये पश्चिम बंगाल में अमन चैन शांति कायम रखा है उस तरह से हम लोग भी चाहते हैं पश्चिम बंगाल में सब जात सब मजहब सब धर्म का आदमी एक संग में रहे, एक दूसरे का पर्व मनाए और हम लोग इस तरह से एक संग में रहे। लेकिन सर रामनवमी आने से बंगाल की संस्कृति खराब होते जा रहा है सर, रामनवमी की वजह से? नहीं नहीं, रामनवमी का वजह से कोई खराब नहीं होते जा रहा, रामनवमी आगे भी होता था अभी भी होता है, मगर कोई कोई सांप्रदायिक दल इसको फायदा उठाने का लिए इसको बिगाड़ने चाहता है, इसको छरकानी करने चाहता है, मगर पश्चिम बंगाल का आम जनता इतना भूखा नहीं है। तो कभी भी वो नाकाम होगा, पश्चिम बंगाल में ये सब नहीं चलेगा।